उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश बंद व झांसी बंद के आह्वान पर महानगर के प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रहे। बंद के दौरान व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट कंपनी के मध्य हुई डील रिटेल में FDI सहित विदेशी कंपनियों के भारत आने के विरोध में कैट के आह्वान पर भारत बंद के क्रम में झांसी में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा बंद रखा गया, जिसमें महानगर के प्रमुख बाजार सदर बाजार, मानिक चौक, सीपरी बाजार, एलाइट चौराहा, जीवनसा, नगरा आदि के प्रमुख बाजार बंद रहे। लोग दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए परेशान होते रहे। महानगर में दवा, हौजरी, रेडीमेड, सराफा, गल्ला मंडी, पेट्रोल पंप आदि बंद रहे। झांसी में बंद के लिए व्यापार मंडल द्वारा आम टीमों का गठन किया गया था। टीमों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में रहकर बाजार बंद कराया गया। उसके बाद सभी टीमें एलाइट चौराहे पर एकत्रित होकर रैली के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उसके बाद प्रधानमंत्री के नाम 24 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी ने कहा कि व्यापारियों की आस्था व्यापार मंडल के साथ है, इसलिए महानगर पूरी तरह बंद रहा। इस मौके पर अरुण गुप्ता, कुलदीप सिंह दांगी, अमित सेठ, बंटी खटिक, प्रोफेसर RS गुप्ता, संतोष साहू, मोहम्मद फिरोज आदि मौजूद रहे। देखिए, आज झांसी बंद, बुंदेलखंड बंद, उत्तर प्रदेश बंद, पूरा भारत बंद, पूरे देश के व्यापारी आक्रोशित हैं। हमारे खुदरा व्यापारी को चौपट किया जा रहा है। FDI के माध्यम से सैकड़ों विदेशी कंपनियों को भारत लाकर हमारे व्यापार को प्रभावित किया जा रहा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, हम 200 साल से अधिक गुलाम रहे थे। आज सैकड़ों विदेशी कंपनियां हमारे भारत में व्यापार कर रही हैं। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की डील हो गई है, ई कॉमर्स में लोग व्यापार करने लगे हैं। हमारा सीधा सीधा सरकार से मांग है कि इन विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है तो आज भारत बंद हुआ, कल के दिन सड़कों पर व्यापारी पूरा देश के उतर के उग्र आंदोलन करेंगे। किसानों को क्या नुकसान हो सकता है इन कंपनियों? देखिए, किसानों को भी सीधा सीधा नुकसान है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक सरकार ने खोला है जो मिनिमम 400 एकड़ में होगा, तो अब वो विदेशी कंपनियां भी खेती करेंगी, उधर ही खेती करेंगी, उधर ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, उधर ही पे अपना मॉल बनाएंगी। SEZ के माध्यम से किसानों को पूरा पूरा प्रभाव है। किसान व्यापारी चौपट है। अभी तक किसान आत्महत्या कर रहे थे, अगर यही दिन रहे तो आने वाले समय में किसान के साथ व्यापारी भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। न्यूज़ BK के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।